कैमरे में घुसा रहता था तो भी इसका साउंड अच्छा नहीं होता था, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है या मैं ही सोच रहा हूँ? ब्लॉग इज व्हाट, मोबाइल इतने हाई एंड हो गए हैं कि आपको DSLR की जरूरत नहीं पड़ती, बट आज अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे लिए डेली ब्लॉग ये है कि मैं आज क्या R&D कर रहा हूँ, क्या मैं नया सोच रहा हूँ। तूने तेरी ओपनिंग की बात की कि नहीं? पैसे बताओ पहले, इससे डर लगता है ये कभी पैसे मांग लेगा। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs. आज कुछ करने का मन नहीं है। Today is Friday and I'm not able to think anything. And now you might be thinking कि यार कैमरे में घुसा रहता था तो भी इसका साउंड अच्छा नहीं होता था, आज ये इतना दूर बैठा हुआ है, उसके बाद भी फैन भी चल रहा है, उसके बाद भी इसकी आवाज़ इतनी क्लियर कैसे, राइट? ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है या मैं ही सोच रहा हूँ? So why it's happening? Because I'm using this mic with the receiver, और ये जो ये बहुत हाई क्वालिटी माइक्स होते हैं, ये Schneider का है और ये जनरली हम लोग की जो शूटिंग्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। हालांकि इसके बहुत वेरिएंट आ गए हैं, सस्ते वेरिएंट भी आ गए हैं, लेकिन Schneider ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है एज़ फार एज़ रिकॉर्डिंग इज़ कंसर्न, इसके बाद सोनी है। या सो ये मैंने कुछ 8 साल पहले लिया था और आज तक ये चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एंड यू कैन हियर द क्वालिटी। इट डजंट मैटर हाउ फार आई एम, जब तक इसका रिसीवर ऊपर लगा हुआ है तब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कैमरे को यहाँ रख के कितना भी दूर जाऊँ, क्योंकि मेरे साउंड में फ़र्क नहीं आएगा जब तक कि मैं सिग्नल की रेंज में होता। हालाँकि अगर गहराई से सोचें तो ब्लॉग इज़ व्हाट, ब्लॉग इज़ योर लाइफ, व्हाट यू डू ऑन अ डेली बेसिस, आपकी दिनचर्या, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप शेयर करते हैं और लोगों को अच्छी लगती हैं, एंड शायद वो इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जैसे कि फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो है ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी, राइट? तो मैं GoPro से शूट करता हूँ। मैंने पिछले 2 दिन व्लॉग, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 2 दिन व्लॉग जितने भी मेरे वर्कआउट व्लॉग थे वो मैंने मेरे दूसरे लेंस से शूट किए थे। मैं आपको लेंस भी दिखाता हूँ, सेम Lumix GH4 कैमरे के साथ ये एक लेंस आता है, इस बहुत हैवी लेंस है ये। ये कंपनी का नाम है सैमयंग लेंस है, और हालांकि वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, अब चीज़ें कॉम्पैक्ट हो गई हैं, मोबाइल इतने हाई एंड हो गए हैं कि आपको DSLR की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट DSLR को अभी भी बीट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एक होता है जो आप शूट करते हो उसी को दिखाते हो, तब तक मोबाइल फ़ोन्स आ ओके। लेकिन जहाँ बात आती है कलर करेक्शन की, वहाँ पे आपको बहुत ही हैवी फुटेज चाहिए होती है। कलर करेक्शन क्या होता है कि जब आप बिल्कुल फ्लैट कलर्स, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, जिस तरीके से पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स को कलर किया जाता है वही है ग्रेडिंग। उसमें क्या करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कलर डाल सकते हैं। आप देखो कि बहुत सारी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों ने कलर कराई होंगी, तो आपके ऊपर है आपको स्वेटर का कलर क्या रखना है, आपको स्किन टोन क्या रखना है, वो सब आपके हाथ में होता है, वो लिबर्टी आपके हाथ में होती है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स ब्लैक एंड वाइट है, आप जितना चाहे कलर्स के साथ खेल सकते हैं। अगर आपने रियल में ब्लू साड़ी पहनी थी लेकिन ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स है, आप उसको रेड कर दो। तो ये जो लिबर्टी मिलती है वो DSLR जो बड़े हैवी कैमराज होते हैं उनमें मिलते हैं, क्योंकि उनका सेंसर स्ट्रांग होता है, उनमें वो एबिलिटी होती है जो अभी भी मोबाइल फ़ोन में नहीं है। फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसे फ़ोन आए कि आप रॉ शूट करो, हालांकि मेरे ख्याल से आईफोन पे अभी भी रॉ शूट हो सकता है, लेकिन वो रेंज जो है वो शायद अभी भी नहीं है। तो ये लेंसेज का मतलब ये होता था कि बड़ी आँख खोल के लेंस आपको देखता है तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अंदर लेता है, तो जितना कॉम्पैक्ट होगा उतनी इन्फॉर्मेशन कम आएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, शायद चीज़ें और इम्प्रूव हो जाए, और होंगी ही क्योंकि फ्यूचर यही है। पहले कंप्यूटर्स बड़े होते थे, अब होते 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 इतने छोटे हो गए, तो टेक्नोलॉजी के एक टाइम आएगा जब DSLR की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब मेरी पुराने इन्वेस्टमेंट है जो मैं, क्योंकि शौकीन मैं हमेशा से रहा हूँ फिल्म मेकिंग का, हालांकि फ़िल्म कभी बनाई नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शौक था इन सब चीज़ों का। मुझे टॉयज़ में, अगर मैं मुझे आप कैमरे की दुकान में भेजोगे तो मैं शायद वैसे ही पागल हो जाता हूँ जैसे कि बच्चे किसी भी टॉय शॉप में होते हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं सब गैजेट्स। और मैंने कहीं किसी हद तक सब कुछ यूज़ किया हुआ है, जब M&M टेल्स की वीडियोज़ बनाते थे तो ये सारे लेंस काम आते थे, क्योंकि हर लेंस हर काम नहीं कर सकता, जैसे सुई और तलवार का अपना अपना काम है, ऐसे ही सारे लेंसेज का अपना काम है। कॉम्पैक्ट लेंस का अलग काम है, 50mm का अलग काम है, 70mm का अलग काम है, 10mm वाइड एंगल लेंस होता है इसका अलग काम है। आज अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे लिए डेली ब्लॉग ये है कि मैं आज क्या R&D कर रहा हूँ, क्या मैं नया सोच रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में नया चल रहा है।
तो मैं कल रात को सोया था बहुत डिस्टर्ब, क्योंकि मैंने बाय द वे आई थिंक क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज कल के ब्लॉग में मैं उस चीज़ को मेंशन ही नहीं कर पाया, क्योंकि इससे मैंने फुटेज लिया था और क्वालिटी बहुत ही ख़राब आया था। मैं ही खुश नहीं तो मैं आपको क्या दिखाता। तो चलिए मैं बताता हूँ कि एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ओके बताता हूँ, चलो। उस व्लॉग में मैं ये बात कर रहा था कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, जबकि मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ। कुछ सीरियस डिसीजंस मुझे लेने पड़ेंगे एज़ फार एज़ माई वर्कआउट इज़ कंसर्न। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक 14 दिन का व्रत लेता हूँ। इसे आप व्रत बोल सकते हो या इसे रेजोल्यूशन बोल सकते हो कि अगले 14 दिनों में मैं रोटी और राइस नहीं खाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा, और मैं मेजरली या तो सैलड या फ्रूट्स या फिर दाल, इन चीज़ों पे टोटली डिपेंड करूँगा। तो मैं आजकल जो खाना खा रहा हूँ पिछले 4 दिन से वो है सब्ज़ी, बोल भर के दाल, 3 काकड़ी, 2 गाजर, ये मेरा रूटीन है। सुबह नाश्ते में मैं 4 अंडे का ऑमलेट खाता हूँ, एग वाइट। उसके बाद मेरा लंच होता है दाल, सब्ज़ी, रोटी और राइस को छोड़ के कुछ भी, ये मैं खाता हूँ। इवनिंग स्नैक्स में फिर मैं कुछ भी हल्का उपमा खाता हूँ, क्योंकि उपमा बहुत लाइट वेट होता है। और उसके बाद डिनर में वापस से दाल और सब्ज़ी और काकड़ी, और बीच में अगर भूख लगे तो फ्रूट्स। तो 1 घंटा मैं रनिंग कर रहा हूँ। अब ये बात भी आती है कि बहुत लोग बोलेंगे, अरे यार खाना कट करते हो तुम्हें डेफिशिएंसी हो सकती है, और वो होती है, वाइटामिन्स आपके बॉडी में फ्लक्चुएट होते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के वाइटामिन्स हैं, जैसे B12 आपको लेना ही चाहिए, और उसके अलावा कैल्शियम आपको लेना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि यू शुड ऑलवेज आस्क अ डॉक्टर और डाइटिशियन कि भाई मैं क्या ये चीज़ें करने जा रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। प्रोटीन एक्स एक आता है, प्रोटीन एक्स मैं लेता हूँ, ये सबको पता होगा। तो ये आप ले सकते हैं, और ये शुगर फ्री है, इसमें फ्लेवर्ड भी आता है, वनीला फ्लेवर भी आता है, चॉकलेट फ्लेवर भी आता है, बट वापस उसमें शुगर होता है, तो आपको क्यों शुगर लेना है, कंज्यूम करना है। डाइट एंड शुगर इनटेक अगर ये आप कंट्रोल करते हैं, आप कम वर्कआउट में ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हो। तो मैं ये प्रोटीन एक्स लेता हूँ जब भी मैं वर्कआउट करके आता हूँ, रनिंग करके आता हूँ, इमिजिएटली मैं पानी में, दूध में भी नहीं, पानी में इसको घोल के लगभग इतना पानी लेता हूँ मैं, आधा ग्लास, और उसमें एक स्कूप डाल के हिला के। इसका कोई टेस्ट नहीं है, बहुत अजीब टेस्ट है, लेकिन जब आप हेल्थ की बात करते हो तो आप बीमार होने पे खराब दवाइयाँ भी खाते हो जिनका कोई टेस्ट नहीं होता, कड़वा टेस्ट होता है। तो जब आपकी हेल्थ की बात आती है तो यू शुड डू दिस ऑल्सो। तो मैं इसमें शुगर वाला नहीं लिया है, मैंने ये ओरिजिनल है। सो दिस इज़ माई रेजोल्यूशन फॉर नेक्स्ट 14 डेज। आप इसे चैलेंज भी बोल सकते हो, 14 डेज चैलेंज फॉर यू नो बेटर हेल्थ एंड शेप। मैंने जैसे पहले ब्लॉग में अगर बोला है तो जो पतले शरीर होते हैं वो किसी भी तरह का कपड़ा पहनेंगे उन्हें उन पर सूट करता है, लेकिन जब आपका वजन बढ़ने लगता है स्पेशली स्टमक, तो आप हर कपड़े नहीं पहन सकते। और मज़ा फोटोग्राफी का तब है जब आप हर एंगल से अच्छे लगो। 3 दिन हो गए हैं और मेरा अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और आगे देखते हैं इसको कैसे और इम्प्रूव करना है। अगेन न्यू एक्सपेरिमेंट विद द न्यू माइक एंड न्यू लेंस, न्यू कैमरा। कैमरा तो एक्चुअली बॉडी तो सेम है, पैनासोनिक GH4 ल्यूमिक्स, एंड उसके साथ 1235mm लेंस जो कि ल्यूमिक्स का ही है, और ये श्नाइजर का माइक जो कि बहुत पावरफुल है। आई एम श्योर यू विल रियलाइज कि हाँ यार ये अच्छा माइक है, यू शुड यूज दिस क्वाइट ऑफन। अ फ्यू इंचेस लेटर, सो फाइनली एडिटिंग इज डन, और शरद कीर्ति का जो एनिवर्सरी ब्लॉग है वो अपलोड हो रहा है। आज बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा था, आई डोंट नो व्हाई, दिमाग माय माइंड वाज एब्सोल्युटली शट। मैं 1 घंटा सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था, आई वाज डूइंग नथिंग, एंड जब थोड़ा सा माइंड चलना शुरू हुआ आई स्टार्टेड एडिटिंग, और ये ब्लॉग आज का एडिट हो गया। जब आप डूब रहे होते हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट सिर्फ फ्लोट करो। तो जब भी ऐसा मौका आता है जस्ट कीप क्वाइट, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन लो, या फिर जस्ट डाइवर्ट योर माइंड, कोई अच्छी फिल्म देख लो। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कुछ भी यूट्यूब पे उठा के देख सकते हो। ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं और ब्लॉग आज भी लेट होगा, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं, 15 मिनट लेट होगा, 5:15 पे ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। ओके राइट नाउ आई एम लीविंग फॉर द क्रिकेट नेट सेशन। कल और परसों दोनों दिन मैच है, क्या होगा पता नहीं, बिकॉज मैच कितना भी छोटा या बड़ा हो लेकिन हमेशा बैंड बजी रहती है। हेलो 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 चैप, हाउ आर यू? कहाँ गए था भाई? यहीं बस, हम तो
ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ ਵਾਟਸ ਅਪ ਭਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਗ थैंक यू सो मच मेरे भाई राहुल तूने क्या बॉलिंग डाली आज यार मजा आ गया तूने फाइनली 24वीं बॉल में मेरी विकेट ले ही ली आज गुड वन मेरा वर्कआउट हो गया और कुछ तूने तेरी ओपनिंग की बात की नहीं पैसे बताओ पहले अपनी अपनी वीडियो बना दूसरों के बारे में कभी पूछा है कभी इससे डर लगता है ये कभी पैसे मांग लेगा इसके लिए इसकी तरफ कैमरा घुमाओ तो पहले बोलता है पैसे देगा और जतिन के साथ बहुत सारी बातें हुई यूट्यूब की मुझे नहीं मालूम था कि वो भी यूट्यूबर और यूट्यूब वीडियोस बनाता है सो आई चेक हिज चैनल आई फॉरगॉट हिज चैनल्स नेम 1 hour later सो रात के 11:30 बज चुके हैं आफ्टर कमिंग होम मैंने सोचा था कि मैं फ्रेश होऊंगा और वापस जाऊंगा यू नो मेरा आधे घंटे का रनिंग ख़त्म करने के लिए लेकिन उसके बाद मुझे फ़ोन आया एक्ट्रेस क्रिकेट बैश से कि शायद मंडे को हमारा एक प्रैक्टिस मैच हो सकता है नाउ द प्रॉब्लम इज सैटरडे संडे मैं दोनों दिन मैच खेल रहा हूँ और आज भी बहुत रिगरस बॉलिंग की है मैंने पहले गुलशन उसको बॉलिंग डाला रक्षित को बॉलिंग किया उसके बाद मैंने सेकेंड नेट्स पर बॉलिंग किया उसके बाद जब सेशन एंड होने पे आया तो जतिन को थोड़ी बैटिंग प्रैक्टिस करनी थी मैंने उसको नॉन स्टॉप 4 ओवर डाले तो आई कैन इमेजिन आई थिंक मैंने 7-8 ओवर 42-46 बॉल्स डालना नॉन स्टॉप इज़ नॉट अ जोक तो मुझे लगता है और ऊपर से मैं घर से जब गया था तो बिकॉज ट्रैफिक टाइम था इट वॉज 6 PM तो 3 किलोमीटर का वॉक किया उसके बाद ऑटो लिया और मैं ग्राउंड पर पहुँचा था तो इमेजिन द काइंड ऑफ वर्कआउट आई हैड ऑलरेडी डन तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब ज़रूरत है एंड देन कल और परसों दोनों दिन मैच है तो मुझे मैच फिट रहने के लिए अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना होगा बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा सो दैट कि मैं मैच में फ्रेश रहूं और एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि कल अगर मैच है और मुझे 2:30 बजे निकलना है तो उसके लिए मुझे आज रात को ही ब्लॉग एडिट करना पड़ेगा सो दैट कि कल का ब्लॉग टाइम पर जाए अदरवाइज़ मैं रोज़ की तरह अगर दिन में ब्लॉग एडिट करने जाऊँगा तो ना मैं व्लॉग टाइम पे यू नो अपलोड कर पाऊंगा और ना ही मैच खेल पाऊंगा तो अगर अभी भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर हिट द लाइक बटन कमेंट इन कमेंट सेक्शन और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना मत भूलना क्योंकि ये डेली व्लॉग है एक दिन के बाद अगर व्लॉग देखा तो क्या देखा सो इट्स बेटर यू गेट द नोटिफिकेशन इफ़ यू प्रेस दैट बेल आइकन तो आज के लिए बस इतना ही दिस इज राहुल लोहानी आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ आई विल सी यू टुमारो इन माई न्यू व्लॉग टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल Good night, Shubh Ratri.